वेलकम बैक गाइस। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्विट मेथड वर्क नहीं कर रहा है, या फिर क्विट मेथड जैसे वो चाहते हैं वैसे वर्क नहीं कर रहा है, या इसका कोई और तरीका है विंडो को क्लोज़ करने का। तो मैंने रिप्लाई भी किया कि डिस्ट्रॉय एक और मेथड है जिससे आप क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, क्विट कब यूज़ करते हैं और डिस्ट्रॉय कब यूज़ करते हैं, ये क्लियर करना है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ज़्यादा बेटर है यूज़ करना। ओके, तो सिंपली मेरे पास में एक रूट विंडो है, एक टॉप लेवल विंडो है, जो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, रूट के बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमारी टॉप लेवल विंडो ओपन होती है, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट देखें, इसे रन करें, तो हमारे पास में ये आता है, ओपन विंडो पे क्लिक किया, ये वाला बटन हमारे पास में शो हो गया और ये नई विंडो यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब इसके बटन पे हम क्विट और डिस्ट्रॉय दोनों का यूज़ करेंगे। ओके ओके, तो मैंने इसके यहाँ पे कॉमा लगाया एंड कमांड दी। सिंपली हम यहाँ पे किसी मेथड का नाम दे सकते हैं, उसके अंदर क्विट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें टॉप डॉट क्विट। ओके, तो पहले क्विट को देख लेते हैं। मैंने इसे रन किया, ओपन विंडो पे क्लिक किया और क्लोज़ किया, तो हमारा पूरा एप्लीकेशन क्लोज हो गया, ठीक है। सेकेंड हम ट्राई करते हैं डिस्ट्रॉय को। ओपन विंडो पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया, क्लोज हो गया, लेकिन सिर्फ हमारी करंट विंडो जो टॉप है सिर्फ वो क्लोज हुई है ना, हमारा पूरा एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुआ। जबकि हमारा क्विट के केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा पूरा एप्लीकेशन था ना, वो पूरा पूरा एप्लीकेशन क्लोज हो रहा था। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें क्लोज की, तो हमारा पूरे एप्लीकेशन क्लोज हुआ है, राइट। तो मे बी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको नेट पे और बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। लोग कहेंगे डिस्ट्रॉय ज़्यादा यहाँ यूज़ करना बेटर रहेगा, ये वो, लेकिन परफेक्टली अगर मैं जो मुझे समझ में आया, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो बात इतनी सी है कि अगर आप मल्टीपल विंडोज़ के साथ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास में क्या है कि आपको जो हमारा GUI है, ठीक है, जो हमारी विंडो खुल के आ रही है, उसके अलावा आपका और भी बहुत सारा पाइथन कोड है जो आपको रन करना है, भले ही हमारी GUI विंडो सामने दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय का। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन अगर आपको पूरा पूरा एप्लीकेशन एक बार में क्लोज़ करना है, तब आप क्विट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप एग्जांपल जैसे अभी दिखाया मल्टीपल विंडोज़ का, अगर आपको मल्टीपल विंडोज़ से आप वर्क कर रहे हैं, आपकी एक विंडो खुली है, उसके ऊपर एक और विंडो खुल गई, आप सिर्फ ऊपर वाली विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं, नीचे वाले को नहीं क्लोज़ करना चाहते, ठीक है। ऐसे में डिस्ट्रॉय, अगर आप पूरे एप्लीकेशन को एक साथ क्लोज़ करना चाहते हैं, तो क्विट। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल है ही। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।